गंदी से गंदी टंकी साफ करने का तरीका आज आपको दिखाने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में देखिए साफ हो जाएगी। देखिए कितनी परत जमी हुई है, देखिए ध्यान से देख ले ये परत कैसे जमी हुई है। अब इसको हम साफ कैसे करेंगे, देखिए एक ऐसा फॉर्मूला आज आपको दिखाएंगे जिससे आपकी टंकी अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत सी बीमारियों का कारण ये गंदगी बनती है, जैसे स्किन की कई प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इस गंदे पानी से हम नहाएंगे, रसोई में यूज होएगा, तो इस गंदे पानी का प्रयोग ना करके अपनी टंकी को समय पर साफ करने का सही फॉर्मूलाज देख लें। सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो गंदा पानी था बाल्टी से हमने बाहर निकाला, फिर अभी इसको हम देखिए खाली करके उल्टा करके पूरा खाली कर लेंगे। पानी को अच्छे से पानी खाली कर लेना है, अंदर से पानी रहना नहीं चाहिए, तो फार्मूला तभी काम करेगा। ये अंदर की परत मैं आपको ध्यान से एक बार दिखा दूं, ये देखिए सारी परत जमी हुई है, बिल्कुल जंग लगा हुआ है अंदर से और नीचे मिट्टी काला हो रखा है। ये सारा गंदगी आपके सामने देखते ही देखते साफ हो जाएगा। अब देखिए हमने ये फॉर्मूला लिया है बोतल में और ये फॉर्मूला डालना शुरू कर दिया है। अब ये फॉर्मूला हम पूरी टंकी के चारों तरफ अंदर से डाल देंगे और ये देखिए बिल्कुल हमने साफ किया था, पानी नहीं रहा, अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला डालना है। देखिए जैसे ही हमने फॉर्मूला डालना शुरू किया, साइड में देखिए आपको दिख रहे होंगे झीरिया सी छोड़नी शुरू कर दिया है, यानी कि जो जमा हुआ मैल था, जमी हुई गंदगी थी, काला कालापन था, जंग था, वो सारा कटने लगा है, अपने आप टंकी को लेयर को जो छोड़ने लगा है। और देखिए किस तरह से छोड़ छोड़ के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। ये तीन बार ही डालना होता है। इसको तीन बार डालने के बाद हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। ये देखिए चारों तरफ से कितनी गंदगी छोड़ चुका है पहली बार में ही। दूसरी बार डालने से काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा, देखिए काफ़ी हद तक नीचे से भी छोड़ने लगा है। अब इसको डाल के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये पूरी टंकी में चारों तरफ डाल देना है। ये देखिए हमने पूरी टंकी में डाल दिया है, अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमने इसके अंदर डाल के छोड़ दिया है, तब तक हम बाहर से इसको कपड़े से साफ कर लेते हैं अच्छे से सर्फ के साथ। और ये देखिए इसकी तली को ब्रश से साफ कर लेना है ताकि जल्दी आपकी टंकी डैमेज ना हो, लीकेज ना हो, इसलिए आपको नीचे से भी सफाई कर लेनी है अच्छे से ब्रश के साथ। ये देखिए मग से पानी डाल देंगे और ये देखिए बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इसको हम अच्छे से खाली कर लेंगे अंदर से। अब दोबारा से देखिए जो हमने एक बाल्टी पानी डाल के इसका पानी बाहर निकाल लेना है, सर्फ वाला पानी डालना है। और ये देखिए देखने में काफ़ी हद तक ये साफ दिख रही है हमारी टंकी। अब इसको हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे, सर्फ के कपड़े से हमें अच्छे से धो लेना है ताकि हमारा फॉर्मूला जो हमने डाला था उससे कोई नुकसान ना हो, पानी में कोई बैक्टीरिया ना रहे। ये देखिए हमने अंदर से अब इसको डब्बे से साफ कर लिया पानी से, 2-3 बार आपने धो लेना है ताकि अंदर कोई गंदगी ना रहे। अब इसको बची हुई गंदगी को हम निकाल देंगे उल्टा करके। तो फाइनली देखिए हमारी टंकी अंदर से बिल्कुल साफ हो चुकी है, चकाचक हो चुकी है। आप भी अपनी टंकी को साफ कर लीजिए ताकि आप बीमार ना पड़ो, आपके बच्चे बीमार ना पड़े। और समय समय पर आपको अपनी टंकी को साफ करते रहना चाहिए क्योंकि बहुत सी बीमारियों का कारण गंदगी होती है। गंदगी से बचें और दूसरों को बचाएं। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि पूरी दुनिया में जितनी भी टंकियाँ हैं सारे लोग अपनी टंकी को समय समय पर साफ करते रहें। बाहर से और अंदर से हमारी टंकियाँ दोनों बिल्कुल चमक चुकी हैं, नई जैसी हो चुकी हैं। तो आप भी अपनी टंकी को आज ही साफ करिए। अब आपको हो गए फॉर्मूला तो बताया नहीं, तो देखिए ये फॉर्मूला जो हमने इसके अंदर डाला है टंकी में, आप अपने प्लम्बर को बोलिए कि भी टंकी साफ करने के लिए जो एसिड मिलता है वो हमें स्पेशल एसिड दीजिए, ना कि नॉर्मल एसिड। ये थोड़ा नॉर्मल एसिड से हाई क्वालिटी का एसिड था, इसलिए इसने टंकी को बड़े आराम से साफ कर दिया है। तो आप भी इस फॉर्मूले का यूज करिए और सावधानी बरतिएगा, अपने प्लम्बर की सलाह से ही करिएगा। हमने भी अपने प्लम्बर की सलाह से इसको साफ किया है, तो आप भी साफ कर लीजिए।